आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं बैगन मुर्गा, जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। बहुत कम आपने देखा होगा कि सब्जी के साथ कोई नॉनवेज तैयार हो रहा है, लेकिन ये कुछ अलग सी रेसिपी है। आप उसको ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से एक बार, और बहुत ही सिंपल रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फटाफट तैयार कर लेते हैं बैगन मुर्गा। तो यहाँ हमने सबसे पहले दो बैगन ले लिए हैं, इनको हम छील लेंगे। ये 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो। तो हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। ये एक मसाला है जो आपकी सब्जियों में, नॉनवेज में, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। आप इसको बना के रख सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, 3 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून सरसों है, काली पीली जो आपके पास वो ले लें, 1 टीस्पून ही जीरा है, 1/2 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है। तो इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, और इसको भूनने की वजह से ये मसाला ख़राब नहीं होगा। आप कई दिनों तक, कई महीनों तक इसको रख सकते हैं। कुछ भी इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैन रख दिया है और इसमें हम ये डाल देते हैं सारे मसाले, और 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये हो जाएगा। लो फ्लेम पे इसको आप चलाते हुए भून लीजिए, अच्छी से खुशबू आने लगेगी, हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हो गया है। आपको जलाना नहीं है, काला नहीं करना है। तो आप देखिए कि ये हो चुका है, आपको कड़कने की आवाज़ आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है, आवाज़ सुने। तो अब बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ हमने कुकर रख दिया, इसमें हम ऑयल डालेंगे। कटी हुई प्याज डाली है, उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन, आपको कलर ख़राब नहीं करना है चलाते हुए, जिसमें आपको 4 से 5 मिनट लगेगा। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम चिकन डालेंगे। 400 ग्राम मैंने चिकन लिया है, तीन चार मिनट इसको हम भून लेते हैं। पहले 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ भी 2 मिनट भून लेंगे। अच्छे से इसको चला लीजिए, लहसुन जो है तेल में पक जाए चिकन के साथ। अब कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब अच्छे से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको इसमें नॉनवेज भी मिल रहा है, सब्ज़ी भी मिल रही है, तो एक तरह से कंप्लीट डिश है। जब आपका मन नहीं है कि बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें बनाएं, तो आप ये कंप्लीट एक डिश बना सकते हैं जिसमें सब्ज़ी और नॉनवेज दोनों साथ में हो जाएगा। पानी डाला है मैंने 2 चम्मच और उसको हल्की आँच पर थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट पकने देते हैं। मसाला हमने पीस लिया है तरतरा सा, कलौंजी को हमने नहीं पीसा है, कलौंजी ऐसे डालनी है, अदरवाइज़ वो कड़वी लगती है अगर पीस जाने के बाद। तो इसमें से 1 टीस्पून लेके हम इसमें डाल देते हैं, बाकी हम इस मसाले को रख देंगे बाकी सब्जियों में, जिसमें आपको अचारी टेस्ट चाहिए उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसमें हम डालेंगे सब्जी। काट के मैंने पानी में रख दिया था, वरना वो काला पड़ने लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको पानी में डालें काटने के बाद। आप इसमें चिकन ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप इसको सेम रेसिपी मटन में ही तैयार कर सकते हैं। 1 आलू मैंने काटा है, वो भी इसमें डाल देते हैं, बच्चों को थोड़ा आलू पसंद आता है। और इसकी हम मिक्सिंग कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ टमाटर डाल देते हैं, 2 टमाटर आप पीस के इसमें डाल दीजिए और मिक्स कर देते हैं इसको। आप पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बैगन पानी छोड़ेगा, टमाटर का पानी है तो उसमें गल जाएगा। तो बस अब इसको हम ढक के रख देते हैं। तो यहाँ अब हम कुकर खोल कर देख लेते हैं, देखिए इसमें पानी है अभी। अब हमने गैस को दोबारा से ऑन कर दिया है और इसको थोड़ा सा चला देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, और कोशिश करते हैं कि 5 से 7 मिनट में इसका पानी सूख जाए। और इसका पानी सूख जाएगा 5 से 7 मिनट में, तब मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ और फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो आप देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, पानी सूख गया है और तेल रिलीज हो गया है। अब इसमें चाहें तो आप हरा धनिया डाल दें, लेकिन मुझे इसमें पुदीना पसंद है तो मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे। गरम मसाला इसमें हम डाल चुके हैं, ऊपर से थोड़ा सा और हम डालेंगे और बिल्कुल तैयार है सब्जी, ज़बरदस्त सी। थोड़ा सा हम गरम मसाला ऊपर से डाल देते हैं और इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी। तो आप देखिए कि बैगन वगैरह बिल्कुल तैयार हो चुका है, इस पर हमने ऊपर से हरा धनिया डाला है। आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं, हरा धनिया, कसूरी मेथी, पुदीना। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैला दस्तरखान।